अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 27 अक्टूबर 2020 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। DLED 2017-18-19 बैच की लेटेस्ट अपडेट को हम देखेंगे। एक और अपडेट दोस्तों आपको हम देंगे कि DLED 2018-19 बैच के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि 2019 बैच को भी नई शिक्षक भर्ती में मौका मिल जाए। इसका दोस्तों रीजन क्या है आपके सामने रखते हैं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकालने में रुचि नहीं ले रहा आयोग, 4500 पद खाली। जी हाँ दोस्तों, ये सब भर्तियां साल भर से लटकी पड़ी हैं, कोई नई वैकेंसी आ ही नहीं रही। जब दोस्तों ये सब वैकेंसी कितने साल पहले से नहीं आ रही है, जिसको कब का आ जानी चाहिए, तो मतलब साफ है कि दोस्तों जो हमारी नई शिक्षक भर्ती आएगी, देखिए उत्तर प्रदेश में जो हमारा चुनाव होगा वो 2022 में होना है, ठीक है। तो वैकेंसी को दोस्तों 2021 के लास्ट तक भी निकाला जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई जल्दबाजी दिखाई जाएगी कि ऐसा तो होगा ही नहीं कि 2021 में जनवरी में निकाल दी जाए, ऐसा नहीं है। तो 2019 बैच के छात्र भी इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो आप मेहनत कर रहे हैं अपनी उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। जैसे दोस्तों BTC 2015 बैच के छात्रों को, मतलब जैसे ही उनका BTC क्लियर होता है, कंप्लीट होता है, तुरंत ही उनको नए शिक्षक भर्ती में मौका मिला, और दोस्तों वो बच्चे आज नौकरी भी पा चुके हैं, ज्वाइनिंग लेटर उनके हाथ में है। तो आपकी किस्मत अच्छी रही तो 2019 बैच के छात्र भी, मतलब जैसे ही आपका DLED कंप्लीट होगा तुरंत नौकरी आपके हाथ में हो सकती है। कंफर्म नहीं है, हो सकता है दोस्तों, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई अच्छे से रखना है। एक और अपडेट दोस्तों देंगे कि अंतिम समय में पढ़ाई के समय को आप बढ़ा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, दिन प्रतिदिन आपका समय कम होता जा रहा है। जैसे आज 27 अक्टूबर हमारी तारीख हो चुकी है, 30 अक्टूबर को आपका पहला पेपर शुरू हो जाएगा। देखिए सबको पता, जो हमारा स्टार्टिंग का पेपर होता है वो बैक से ही शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले बैक पेपर वाले छात्र अपना पेपर देंगे फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके बाद दोस्तों थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा, फिर सेकेंड का, फिर फोर्थ का। फर्स्ट का पेपर इसलिए पहले हो रहा है, ये भी बैक पेपर है, थर्ड वाला भी बैक पेपर है, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर पेपर होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक और सवाल आपका था कि जो DLED का हमारा एडमिट कार्ड है वो कब से मिलेगा। देखिए काफ़ी कॉलेज में कल से ही छात्रों को बुलाया जा रहा है, 26 अक्टूबर से ही बुलाया जा रहा है कि आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। देखिए क्या है ना कि कुछ बच्चों की फीस जमा नहीं होती या कुछ और कारण हो सकते हैं जिसके वजह से बच्चों को बुलाया जाता है। देखिए आपका जो एडमिट कार्ड है, पेपर आपका 30 अक्टूबर से, तो आपका जो एडमिट कार्ड अधिकतर देखा गया DLED में वो 1 से 2 दिन पहले मिलता है, तो कल या परसों, इतना समझ के चलिए दोस्तों, कल आपको हर हालत में एडमिट कार्ड आपके कॉलेज तक आ जाएगा, भले आपके हाथ में ना पहुंचे लेकिन कल तक कॉलेज तक आ जाएगा। 29 अक्टूबर को डेफिनेटली आपके हाथ में होगा, क्योंकि 30 से ही पेपर शुरू हो रहे हैं, तो कल तक का इंतजार करेंगे। देखिए होता है क्या ना, किसका एडमिट कार्ड लेट से इसलिए जारी किया जाता है कि जो बच्चे वो सेटिंग ना कर पाए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि भाई एडमिट कार्ड आने का मतलब है कि आपको सीधे क्लियर हो जाएगा कि आपको, मतलब जो सेंटर गया इसी कॉलेज में गया। तो आजकल के जो बच्चे होते हैं भाई, तुरंत ही अपना जुगाड़ खोजते हैं कि हमारे चाचा जी इस कॉलेज में पढ़ाते हैं, ताऊ जी हैं, ये हैं, वो हैं, कुछ ना कुछ अपना आप जुगाड़ निकाल लेते हैं। तो गाइस इसीलिए इसको बिल्कुल लास्ट टाइम में किया जाता है कि आप जो अपना है ना कि सोर्स जुगाड़ पानी ना लगा पाए। वैसे भी आपको पता है कि एक एक दिन में 2-2, 3-3 पेपर होते हैं, तो ये सब चीज़ें। तो एक बात और है दोस्तों, DLED फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर की अगर अभी तक आपने डेट शीट को डाउनलोड नहीं किया है परीक्षा के समय सारिणी को, तो उसका लिंक हम नीचे कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपसे खो गया हो, आपने पहले डाउनलोड किया था, अभी नहीं मिल रहा है, तो उसको आप एक बार फिर से डाउनलोड करके देख लीजिए, ठीक है, जरूरी चीज है, नहीं तो फिर आप बाद में परेशान होंगे। देखिए दोस्तों, नए शिक्षक भर्ती की अपडेट हम आपके इस वीडियो में देंगे। तो अगर देखिए एक बात और है, न्यू शिक्षक भर्ती में मौका चाहिए तो 2018 बैच फेल ना हो। जी हाँ दोस्तों, सभी छात्रों से भाई उम्मीद हम करते हैं, क्योंकि देखिए 2018 बैच के सभी छात्रों को मौका कहाँ कहाँ मिले इस बात को जरा समझिए। अगर आपकी बैक लगी फर्स्ट सेमेस्टर में तो भी आपको अभी मौका मिलेगा, सेकंड में बैक लगी तो भी आप मौका मिलेगा, थर्ड का तो आप पेपर अभी देंगे ही। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, तुरंत आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम करा लिया जाएगा। तो मतलब कुल मिला के 2018 बैच के सभी छात्रों को नई शिक्षक भर्ती में मौका मिल सकता है। लेकिन अगर सभी छात्र चाहते हैं कि हमें मौका मिले, तो उसके लिए आपको तैयारी भी अच्छी वाली करनी पड़ेगी, ठीक है। पढ़ने के समय को 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप पढ़ने के समय को नहीं बढ़ाएंगे ना, फिर देखिए आप दिक्कत में फंसेंगे। एक और अपडेट दोस्तों आपको देंगे कि TGT PGT चयनितों ने नियुक्ति को लेकर किया प्रदर्शन। सोचिए दोस्तों, इन बच्चों का चयन तक हो चुका लेकिन अभी तक इनको नियुक्ति नहीं मिला। 69,000 में दोस्तों आपको जैसा कि पता है चयन होने के काफ़ी दिन बाद उनको नियुक्ति पत्र मिला था, वैसे दोस्तों यहाँ पर है TGT PGT में, इनको तो अभी तक नहीं मिला।
तो वही दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चे नई शिक्षक भर्ती को लेकर कंफ्यूज हैं कि जल्दी आ सकती है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पद सालों से खाली वहां तो वैकेंसी आ नहीं रही है, तो नई कहाँ से जल्दी से आ जाएगी। आएगी दोस्तों, लेकिन चुनाव के समय आएगी, तो उस समय तक आपका डीएलएड पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप यूपीटेट या सीटेट में से एक परीक्षा को आपको पास करना भी जरूरी है। ठीक है, आपको बताते हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि टेट क्वालिफाई करने के लिए, जो टेट का नियम होता है, टीईटी का, यूपी टेट हो या सीटेट दोनों की बात कर रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं सामान्य वर्ग के, तो आपको पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए होता है। बाकी आप आरक्षित वर्ग में आते हैं, ओबीसी में, एससी में या एसटी कैटेगरी में, तो आपको पास होने के लिए 82 नंबर चाहिए होते हैं। इसको जरा ध्यान में रखकर आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस बार देखेंगे जो इस बार आपका टेट का पेपर होता है उसमें क्या क्राइटेरिया रहता है। और एक और अपडेट दोस्तों, आपने देखी होगी लॉलीपॉप वाली की सीटेट की परीक्षा पास के लिए, तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। लेकिन आपको पता है कि जो हमें नई भर्ती में मौका मिलता है, सभी देखिए वैकेंसियों का रूल अलग अलग होता है। कहीं पर दोस्तों टीचर बनने के लिए जो दोस्तों रूल रखा गया कि अगर आपकी अधिकतम एज 40 साल है, अगर आप 40 से 41 हो गए तो 41 साल में आपको मौका नहीं मिलेगा। ये सब क्राइटेरिया भी है, लेकिन फिर बात वही होती है ना कि सीटेट आपके लिए लाइफ टाइम वैलिड है। अगर हम मान लेते सीटेट कर लिए, हम 50 साल में सीटेट को पास करके रखे हैं, तो हम इसका यूज कब करेंगे जब हमें नई भर्ती में मौका ही नहीं मिलेगा, तो ऐसा फायदा क्या है। ठीक है, ये सब बातें। एक और अपडेट दोस्तों हम आपको देना चाहते हैं कि नई शिक्षक भर्ती में इस तरह से होगी तैनाती। फिलहाल जो ये रूल आए ये 69,000 के लिए, तो ये मान के चलिए कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही नियम अपनाया जाएगा। देखिए दोस्तों, जो नई भर्तियां होती हैं, जब आपको स्कूल अलॉटमेंट नहीं होता, पहले देखिए आपको क्या पता चलता है कि आपको इस जिले में नौकरी मिली है। जैसे मान लेते दोस्तों आपने 3-4 जिलों का नाम डाला, किसी बच्चे ने लखनऊ डाल दिया, किसी ने आगरा डाल दिया, किसी ने कानपुर डाल दिया या प्रयागराज डाला, तो पहले दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि आपकी भाई जो नियुक्ति है वो लखनऊ में हो गई। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि लखनऊ में आखिर आपको कौन सा स्कूल मिलेगा। जिस भी आप जिले में रहते होंगे वहां आपने देखा होगा ना, हर एक गांव में प्राइमरी स्कूल है लगभग लगभग, तो आपको कौन से प्राइमरी स्कूल में आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो उसके मतलब प्रोसेस क्या है उसको जरा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन तैनाती का सॉफ्टवेयर है, यही से दोस्तों तैनाती कराई जाएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, आपके मेरिट के मुताबिक अभ्यर्थियों की सूची तैयार होगी। जैसे आपको दोस्तों जिले में किसकी मेरिट सबसे ज्यादा है, किसकी कितनी कम है, उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी। फिर देखिए पदस्थापन के लिए स्कूल वार रिक्तियों की सूची जो होगी वो चस्पा की जाएगी। ठीक है ना, कहाँ पर कितनी रिक्तियां हैं स्कूलों में, जहाँ अभ्यर्थी बैठेंगे वहाँ प्रोजेक्टर पर प्रदर्शित की जाएगी। देखिए दोस्तों प्रोजेक्टर लगा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि वहाँ एक प्रोजेक्टर होगा, वहाँ पर सारा डेटा आपको दिखेगा। उसके बाद देखिए जो बच्चे दिव्यांग होंगे वह महिला अध्यापकों से पहले विकल्प लिए जाएंगे, इसके बाद पुरुष अध्यापकों से विकल्प लिए जाएंगे। तो गाइस जो लड़कियां भाई डीएलएड करने वाली, खुश हो जाइए आप लोग, आपको मतलब पहले मौका मिलेगा। ठीक है, कम से कम दोस्तों कहीं तो आपको छूट मिला, मतलब लड़कियों को कुछ तो फायदा हुआ, नहीं तो अभी तक लड़के भी फायदा लेते थे। तो यहाँ पर लड़कों को थोड़ा सा निराश होना पड़ेगा, पहले लड़की अपने मन पसंद के स्कूल लेंगी, उसके बाद लड़कों को मौका मिलेगा। उसके बाद देखिए क्या होगा कि तैनाती के आदेश तुरंत अभ्यर्थियों को दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों आप लोग विकल्प ले लेंगे, जो भी स्कूल में आपको चाहिए तैनाती, उसका जो आदेश होगा वो तुरंत आपके हाथ में दे दिया जाएगा, भैया जाइए कल से स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। ये सब दोस्तों पूरा मामला है, तो ऐसे करके आप लोगों को नौकरी मिलती है। तो एक बात और आप समझ लीजिए, जो लड़के और लड़कियां हैं तो लड़कियों को पहले इसमें मौका मिलेगा, जो दिव्यांग और लड़कियां, ठीक है ना। लड़कियों को कहीं छूट नहीं मिलेगी शिक्षक भर्ती में, सिर्फ एक जगह छूट मिलेगी, वो लास्ट टाइम ही होगा, नियुक्ति पत्र तो भी साथ ही में मिलेगा, लेकिन जब स्कूल आवंटन होगा ना कि कौन से स्कूल में आपको नौकरी करनी, तो वहां पर लड़कियों को फायदा मिलेगा। ठीक है, छोटा फायदा लेकिन बढ़िया फायदा होगा यहाँ पर, क्योंकि आप अपने मन पसंद का स्कूल ले सकती हैं कि कौन से स्कूल में आपको जाना है। ठीक है, जो आपके घर के पास हो, जैसे भी आपको ठीक ठाक लगे, ये सब चीजें यहाँ पर हो गई। तो गाइस अब सवाल ये उठता है कि अंतिम समय में आप पढ़ाई कैसे करेंगे और पढ़ाई के समय को बढ़ाएंगे कैसे। देखिए दोस्तों, आज के डेट में जो डीएलएड का एक एवरेज स्टूडेंट है, जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चे तो भाई ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रहे, आज के दिन जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मैक्सिमम 2 घंटे कर रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चों की बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम है कुछ बच्चे भाई आधा घंटे भी पढ़ रहे हैं, 30 मिनट की पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे 10 मिनट की पढ़ाई कर रहे हैं, तो एवरेज आज के दिन 2 घंटा लगभग चल रहा है हर एक बच्चे का जो मेहनत कर रहे हैं। देखिए गाइस, आपको इस समय को बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम हमने बोला 10 से लेकर 14 घंटे तक, 12 से 14 घंटे, क्योंकि आपके पास 24 घंटे घर पे रहना है। अगर आप इंटर्नशिप भी कर रहे हैं तो वो भी ऑनलाइन है, घर बैठे ही तो हो रही है ना। समय देखिए आपके पास है, तो समय का आप उपयोग करिए। 18 बैच 19 बैच सभी के लिए, कि अगर आपको नई शिक्षक भर्ती में मौका मिलने का आसार हो तो आपको मौका मिल जाए। 2019 बैच के छात्रों को भी विशेष ध्यान की जरूरत है। ठीक है गाइस, अगर आप नौकरी चाहते हैं ना, तो फिर ध्यान में रखिएगा, बैक वैक से आपको बचना है। और आपको एक बात और बता दें, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करिए। जी हाँ दोस्तों, जब आप पढ़ते होंगे तो आपको टेंशन लेने की मतलब आदत हो गई है आजकल, तो आपके मन में टेंशन नाम का कीड़ा आता है और परेशान हो जाते हैं, यार हम पास कैसे होंगे, फेल तो नहीं हो जाएंगे।
जब दोस्तों आपको लगे कि यार हम फेल हो सकते हैं, तो आप अपने दिमाग में एक बात तो सोचिएगा कि आपके क्लास का जो सबसे वीक स्टूडेंट है, ठीक है, सबसे कमजोर बच्चा होगा ना, सभी क्लास में एक सबसे कमजोर बच्चा होता है, आप उसी को इमेजिन करिएगा कि यार उसका क्या होगा, अगर हम फेल होंगे तो उसका क्या होगा। तो गाइस वहां से भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, यार कम से कम हम उससे तो मजबूत है, उससे तो आगे जाएंगे। वैसे ही दोस्तों थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन जोड़कर एक अच्छा मोटिवेशन बनेगा। और आपको गाइस बता दे कि 25 नंबर के पेपर में 12 नंबर लाना मुश्किल नहीं होता है, आप गलतियां करते हैं इसलिए फेल हो जाते हैं। देखिए दोस्तों जो बैक आती है सबसे ज्यादा किस में आती है, फिर से आपको बताते हैं, सबसे ज्यादा बैक आपकी मैथ्स में आती है, इंग्लिश में आती है या संस्कृत में आती है, ये तीन विषय हैं जिसमें आपकी बैक आ सकती है। बाकी अन्य विषयों में अगर आप फेल होंगे तो वो आपकी लापरवाही थे, क्योंकि आपने उसको बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। हमने क्या बोला, सबको आपको पढ़ना, सब एक विषय को पढ़िए, ठीक है, चाहे वर्तमान भारतीय समाज हो, चाहे सामाजिक अध्ययन हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, सबको आपको पढ़ना है। ये मत सोचिए कि नहीं यार मैथ इंग्लिश संस्कृत को देख लेंगे बाकी सबको छोड़ेंगे, इसको इग्नोर आप नहीं करना है, सबको आपको पढ़ना है। और 12 नंबर लाना क्यों आसान है हम बताते हैं, 5 नंबर का आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर हम 25 में से 5 नंबर सही कर ले जाते हैं, कैसे ना कैसे, अब हमको नहीं पता आप कैसे करेंगे, थोड़ा बहुत दोस्तों की हेल्प मिल जाती है, इतना तो देखिए होता है, हो सकता है कि आपके भाई बिल्कुल खोपड़ी ना हिले, लेकिन होता है इतना। उसके बाद दोस्तों आपको बचे 7 नंबर, ये 7 नंबर कैसे बनेंगे, 14 नंबर के आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं और 206 नंबर के आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, ठीक है। मानते हैं कि अगर आप अति लघु उत्तरीय में भी कम से कम एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि आसान होगा, 5 मान लेते, 0 नंबर में आपको कुछ नहीं बना। बाकी दोस्तों ये जो 14 नंबर का है ना, यहाँ से दोस्तों अगर आप 2 नंबर के क्वेश्चन में एक एक नंबर भी बना के ले जाएंगे तो 7 नंबर होगा, 7 + 1 8, 8 5 13। तो गाइस आप ऐसे बना सकते हैं, गणित में भी स्टेप वाइज मार्किंग होती है, आप थोड़ा बहुत मेथड गणित में भी तैयार रखेंगे तो स्टेप वाइज के हिसाब से आधा नंबर एक नंबर मिलेगा, तो पास हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि टॉप करेंगे, देखिए आपको फिर हम बताएंगे कि डीएलएड में आपको टॉप करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, टॉप करना आसान नहीं है, लेकिन पास होना बिल्कुल आसान है। जो बच्चों की बैक आती है उनसे आप एक बार पूछेगा कि उनके बहुविकल्पी क्वेश्चन में से कितने सही हुए, तो वो बच्चे बहुविकल्पी क्वेश्चन ही गलत करके आ जाते हैं। उसके बाद देखिए अगर आप बहुविकल्पी क्वेश्चन गलत करेंगे तो फिर पास होना मुश्किल हो जाता है। देखिए जो हमारा पहला 2 पेपर होता है, ठीक है, जो 2 नवंबर को जैसे आपका पेपर होगा या 5 नवंबर को जो शुरुआत हो रहा है या 30 अक्टूबर को या 9 तारीख को होगा, ठीक है, जो पहले दिन के 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, उसमें क्या होता है कि 50-50 नंबर के पेपर हैं, 15 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने 15 में से 15 कर लिया तो ये मान के चलिए तकरीबन किसी का बाप भी आपको फेल नहीं कर पाएगा, तकरीबन। हो सकता है कि उसके बाद आपको कुछ ना आए तो भले आप फेल हो जाए, कॉपी ना लिखें, लेकिन 15 नंबर कर लिए तो 10 नंबर आप आसानी से बना सकते हैं, 15 को आप 25 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब दोस्तों थोड़ा थोड़ा तरीका होता है कि पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्नों पर दम जोर देकर पढ़ाई करनी है, ठीक है। आप सीरीज खोले तो सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन, अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी सबको पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी जो बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं वो लघु उत्तरी से बना दिए जाते हैं। ये मत सोचिएगा कि भाई हमने बहुविकल्पी रट्टा मार लिया तो सारे बहुविकल्पी है इसी से बनेंगे, ऐसा कई बार नहीं होता। तो मेहनत आपको दोस्तों करनी, तो हर एक प्रश्न को पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, अगर आपने कुछ भी छोड़ दिया तो उसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर पढ़ाई करिए। पीएनपी से दोस्तों अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, फिलहाल परीक्षा रद्द को लेकर कोई भी खबर नहीं है, तो ये आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपको नई शिक्षक भर्ती में मौका चाहिए, ठीक है। परीक्षा रद्द करा के आप भर्ती से बाहर हो गए ना, तो फिर डीएलएड आपका करते रहिएगा 5-6 साल, नौकरी नहीं मिलने वाली। आपका दोस्तों जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए नौकरी, हमें नौकरी कैसे मिलेगी। आजकल बिहार में चुनाव है, देखा है दोस्तों, बोलते हैं ना हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो गाइस एक हमें ऐसे बंदे की जरूरत है आज की डेट में जो ये बोले, ऐसी सरकार की जरूरत है जो ये बोले कि हम पहले दिन ही 210 लाख नौकरी को मंजूरी दे देंगे। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है आपके सामने, ये बच्चे दोस्तों टीजीटी पीजीटी के चयनित को ने मतलब नियुक्ति को लेकर किया प्रदर्शन। उसके बाद दोस्तों दूसरी अपडेट आती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकालने में रुचि नहीं ले रहा है आयोग। ये सब दोस्तों अपडेट है, मतलब जो पद खाली है उस पर भी ये नौकरी नहीं दे पा रहे, बाकी भगवान भरोसे आप छोड़ रहे हैं सब कुछ, ठीक है। तो हमें एक ऐसी सरकार की भी जरूरत है जो हमें नौकरी दे, जो नई नौकरियां निकाले, तभी तो नौकरी मिलेगी। 69,000 में क्या हुआ दोस्तों, आधे बच्चों को नौकरी मिल गई, आधे बच्चे आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको लेकर कोई बातें नहीं हो रही है। तो सभी बच्चों ने मतलब मेहनत तो बराबर की थी, ये क्या होता है ना गाइस, ये आपको एक तरह से तोड़ देते हैं। जैसे 2018 बैच में क्या हुआ, सभी बच्चों को पता था कि काफी गलत हुआ उनके साथ, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं ना। 18 बैच में मतलब सभी बच्चे पहले साथ में खड़े थे कि भाई हमको प्रमोट किया जाए, जो बच्चे फेल थे या एक एक विषय में बैक लगी थी वो भी बच्चे साथ खड़े थे, जो सभी विषयों में पास थे वो भी बच्चे चाहते थे हमें प्रमोट किया जाए, लेकिन हुआ क्या, सिर्फ 5 बच्चों को ये प्रमोट कर देते हैं। तो 18 बैच भी 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक तो पास वाला बैच अलग हो गया, फेल वाले बच्चे अलग हो गए,
समझ रहे हैं। ये होता है दोस्तों, आधे आधे बच्चों को अलग कर देते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। देखिए होता है क्या ना, जैसे आपके हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, ठीक है, एक उंगली से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों जब आपका 5 उंगली साथ में होती है ना, तो फिर उसकी ताकत आपको पता है। यही सब चीजें होती हैं कि भाई जब आप अलग अलग बिखर जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर 15 दिन पेपर दोस्तों देरी से होता है चतुर्थ सेमेस्टर का, तो सभी बच्चों को मौका मिल जाता तो कितना बेहतर होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ठीक है गाइस, तो अभी फिलहाल आपको बता दें, जैसे भी दोस्तों आपका पेपर है सब कुछ होगा, तो परीक्षा रद्द को लेकर कोई अपडेट नहीं है। तो सभी बच्चे भाई बढ़िया से मेहनत करिए, अच्छे नंबर लाइए, और नई भर्ती में आपको मौका डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि चुनाव का समय रहेगा। सरकार भी यही सोचेगी कि जितने अधिक से अधिक बच्चे सम्मिलित होंगे, वही बच्चे तो कल आकर हमें वोट करेंगे, आप उनका एक बड़ा वोट बैंक है। ठीक है गाइस, होता है क्या ना कि कभी कभी योगी सरकार के मतलब कोई वैकेंसी आ जाए, तो जब सरकारें बदलती, मान लेते अखिलेश सरकार आगे आती है या मायावती आती है या कुछ और सरकारें कांग्रेस की आती है, तो भाई वो सबसे पहले उनका काम यही होता है कि पुरानी जितनी भी उनके मतलब काम वाम चल रहे थे उस पर स्टे लगा देते हैं, उसको तुरंत के लिए रोका जाता है, तो बच्चे फिर कोर्ट का सहारा लेते, फिर मामला फंस जाता है। तो ये सब चीजें गाइस होती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, और भी जो अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और PNP की जितनी भी ताजा खबरें आएंगी दोस्तों उसको पाने के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना। और ये नई भर्ती वाला जो नियम है वो पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, स्पेशली लड़कियों लोग को, ठीक है। आप लोगों को भाई पहले प्रायोरिटी मिले, पहले मौका मिलेगा, तो आप अपने मन से स्कूल ले पाएंगे जब भी आपकी नौकरी लगेगी। ठीक है, मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।